Hey guys, welcome back to channel once again. तो आज हमारा सबसे पहला न्यूज है राइस्टर के बारे में। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि बहुत सारे क्रिएटर्स अपनी वीडियोस में फेक राइस्टर रख के थंबनेल और टाइटल पे राइस्टर का नाम यूज करके बहुत सारे व्यूज कमाते हैं। तो उन्हीं सब यूट्यूबर्स को राइस्टर ने एक वार्निंग दिया है। वो बेसिकली ज्ञान गेमिंग के थ्रू अपना मैसेज दिया है, तो आप खुद ही सुन लीजिए ज्ञान गेमिंग ने कल इस टॉपिक के ऊपर क्या कहा था। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग गाइस। बात है कैसे, एक राइस्टर ने बोला, मेरा आवाज नहीं कि दम है, ओके, तो मैं बोल रहा हूँ। बात है, राइस्टर ने खुद बोला है, जितनी भी जितनी पुराने वीडियो हुए, अभी का वीडियो है 2019 का 2018 का, कोई भी अगर वीडियो में आप राइस्टर के लोगो यूज करते हो, राइस्टर के लोगो, और उस लोगो में फेक वीडियो है, उसके अंदर पूरा फेक राइस्टर है ही नहीं उसके अंदर, मगर तभी आप राइस्टर का नाम यूज कर राइस्टर हरा रहे हो, कभी ड्रो कर रहे हो, ठीक है। कोई भी यूट्यूबर हो, एक बार दो बार चलता है कैसे, आप लोग यार बहुत सारे वीडियो फेक वीडियो डालते हो। तो राइस्टर खुद गैस मेरे को बोला है कैसे आप लोगों को कॉपीशन देने वाला है, तो आपके पास सिर्फ 2 दिन टाइम है, चाहे आप राइस्टर की इंस्टा पे जाओ, राइस्टर FF, उसके साथ बात कर लो, परमिशन ले लो, नहीं तो मेरे को डीएम कर सकते हो, तो प्लीज जल्दी से कर लो ये चीज़ यार, क्योंकि चीज़ बुरी बात होती है। 1 दिन 2 दिन सही है कैसे, रोज अच्छी बात नहीं होती ना गाइस। बढ़ते अगले स्टोरी की तरफ, हम बात करने वाले जीएस के वेरीफाइड के बारे में। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि रिसेंटली स्काईलॉर्ड और पहाड़ी एंड रोमियो गेमर के बीच में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, और जीएस के वेरीफाइड जो कि स्काईलॉर्ड के बहुत पुराने दोस्त हैं, उनको बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे टैग करके पहाड़ी को रोस्ट करने के लिए बोल रहे थे। तो इस टॉपिक के ऊपर बात करते हुए वो एक कम्युनिटी पोस्ट किए थे, जहां पे वो लिखे थे, जो भी लोग मेरे को बोल रहे हो पहाड़ी को रोस्ट करो, बेसिकली मेरे को कंट्रोवर्सी पसंद नहीं है। पहले मैं जितना कंट्रोवर्सी किया उसका कोई रीजन था, ये अलग बात है कि कंट्रोवर्सी से मेरे चैनल फिर से व्यूज आना शुरू हो जाएगा। असली बात है कि कंट्रोवर्सी मेरी मेन कंटेंट नहीं है। और फिर नीचे उन्होंने ये वाला फोटो पोस्ट किया था। सो आप इस टॉपिक के ऊपर क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। गाइस बढ़ते अगले स्टोरी की तरफ, हम बात करने वाले पहाड़ी गेमिंग के बारे में। तो कल वो अपने इंस्टाग्राम पे फिर से इस पूरे कंट्रोवर्सी के बारे में बात किए थे, वो बात किए थे स्काईलॉर्ड के बारे में। तो क्या कुछ बोले थे उसका क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं। भाई वीडियो के अंदर ऐसे मैनिपुलेट करते हैं लोगों को, कहता है कि मैं स्नाइपर का क्रेज लाया हूँ, मतलब स्काईलॉर्ड स्नाइपर का क्रेज लाया। रियली तू स्नाइपर का क्रेज लाया? हमें तो स्नाइपर चलानी नहीं आती सर, एक टिप्स एंड ट्रिक बता दो यार स्नाइपर को। भाई बेवकूफ इंसान, ज्ञान गेमिंग पिछले 1 साल से स्नैपर चला रहा है, टोटल गेमिंग पिछले 1 साल से स्नैपर चला रहा है, पहाड़ी गेमिंग मैं तुम्हारा पापा पिछले 1 साल से स्नैपर चला रहे हैं, बेस्ट स्नैपर ऑफ द ईयर भी मिला हुआ है, ठीक है। और क्या क्या गिनाऊं तेरे को, ऐसे बहुत प्लेयर है, बाला को ले ले तू, वासियो को ले ले तू, ठीक है, और अमन को ले ले, ठीक है, इतने स्नैपर प्लेयर्स के नाम गिना दूंगा मुझसे लाख गुना अच्छे स्नैपर चलाते हैं, तू स्नैपर का क्रेज लाया। अबे चूचू भाई मैनिपुलेट करना बंद कर, ठीक है, लॉजिकल वे में बातें कर। और क्या बोलता है, कैरी मिनाती ने टिकटॉक को रोस्ट करने से पहले परमिशन ली थी। अबे कैरी मिनाती तेरा पापा है, उसने बैन करा है टिकटॉक को, हैं, उसने बैन करा है। अबे भाई क्या मैनिपुलेट करता है बे तू बेवकूफ इंसान, शर्म कर बे शर्म कर, अब तो शर्म कर भाई, तेरे 8 लाख हो चुके हैं बे, थोड़ी तो मतलब तू लोगों को ठीक वे में इन्फ्लुएंस कर सकता है। 8 लाख सब्सक्राइबर बहुत बड़ा नंबर है, 8 लाख समझ रहा है, बहुत बड़ा नंबर है, तो ढंग से इन्फ्लुएंस कर। जो तेरे पास पब्लिक है ना वो भी ज़्यादा बड़े नहीं है, क्योंकि बड़े किसी के मुंह नहीं लगते, किसी को गाली नहीं देते, उनमें दिमाग होता है कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। तेरे में भी जो सब्सक्राइबर्स हैं जितने भी तेरे, वो भी छोटे ही हैं, ठीक है, तो उन्हें ठीक चीज़ सीखा मैनिपुलेट करने से अच्छा बता कि कैसे टूर्नामेंट खेलते हैं, ठीक है। ये नहीं कि मैं क्या बोलूँ यार तुझे, मैं तू तो तेरे पता दिमाग ही नहीं है, इसको भी तू उल्टा वे में ले जाएगा, मुझे पता है ना, तो चूतिया है, चूतिया था, चूतिया रहेगा। और हाँ एक चीज़ और बोल रहा था अपनी वीडियो में कि मैं बिना खेले इनकी टीम को टॉप 5 नहीं आने दूंगा। अबे तेरे पापा भी आ जाएंगे ना तब भी मेरे को टॉप 1 आने से नहीं रोक सकते, बोल और बता, जब मुँह पे कह रहा हूँ तो किसे बोलेगा, सब चूतिया नहीं है, इंडिया की सारी बेस्ट टीमें साथ में, चूतिया नहीं है वो, अपना गेम खराब करने के लिए तेरी सुनेंगे, ठीक है, या तू चूतिया नहीं जो हैकर डलवा देगा, घरे ना पागल नहीं है जो तेरे हैकर तू भेजेगा उन्हें हटाएंगे नहीं, तो अकल ला अकल, तेरी टीम भी आई थी ना, क्या नाम था उसका, स्काईलॉर्ड करके टीम आई थी ना तेरी, पिटके गई थी ना कुत्तों की तरह, चुप रहे, खेल उनके साथ, सिखा उन्हें कैसे गेम खेलते हैं, तो उससे लाख गुना अच्छी तो तेरी टीम है जो खेलती है, तेरी तो वो भी बस की नहीं है, एक के अलावा कुछ चलाना आता है तेरे को, बता मेरे को। और कंपटीशन से सिर्फ कायर लोग डरते हैं, ठीक है, मेरा कंपटीशन बढ़ रहा है ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मेरे को खुशी है इस चीज़ में, ठीक है। और बात रही ब्लू जोन की, ब्लू जोन बेटा वो हमारी स्ट्रेटेजी नहीं है, ठीक है, और हमारी कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी नहीं है, जाके देख मैचेस, जाके देख रिकॉर्ड में कि पापा कहाँ उतरते हैं, ठीक है, टीम कहाँ उतरती है, टीम इलीट कहाँ उतरती है, देख, किसी को नहीं पता टीम इलीट कहाँ उतरती है, ठीक है, ये हमारी स्ट्रेटेजी है। ब्लू जोन कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है हमारा, M82 भी बहुत जगह मिलती है, तुम्हें ये भी नहीं पता M82 पूरे मैप में ब्लू जोन के अलावा और कहाँ मिलती है उस पर्टिकुलर प्लेस पे, पता है तुम्हें? नहीं पता। तो ये
भुगलैंड ही हमारे आगे झाड़ना बंद कर दो, ठीक है? लाइन पे आ जाओ थोड़ा, है आओ टूर्नामेंट में, मैदान में उतरो, लड़ो हमसे 1v1। वैसे इस पूरे टॉपिक के ऊपर अभी तक स्काईलॉर्ड कुछ भी नहीं बोले हैं, और वो कल अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किए थे, और इस वीडियो पे उनका नॉर्मल कंटेंट मतलब के रोस्टिंग जैसा कुछ भी नहीं था, और उसके कमेंट सेक्शन में वो ये लिखे थे, थैंक्स फॉर चेंजिंग स्काईलॉर्ड। तो ये सब देख के बेसिकली यही लगता है कि स्काईलॉर्ड अपना कंटेंट पूरी तरह से स्विच कर चुके हैं, मतलब के चेंज कर चुके हैं। वैसे इस पूरे टॉपिक के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वैसे फिर रोमियो गोमेर इसी टॉपिक को इनडायरेक्टली पॉइंट करते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे कुछ ये लिखे थे, सुना कंटेंट चेंज हो गया, चलो अच्छी बात है, ऐसे ही सही पर समझ तो आया, बस ऐसे ही रहे, तू अपने में खुश हम अपने, ना हम तेरे को कुछ बोले ना तू हमें, जब तक शांति तेरी साइड से बनी है मेरी साइड से भी बनी रहेगी। गाइस बढ़ते अगले स्टोरी की तरफ, हम बात करने वाले नूब गेमर बीबीएफ के बारे में। तो कल अपने सेकंड चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया, यहाँ वो बेसिकली बात की अपने मेन चैनल के बारे में, तो उनके मेन चैनल पे यूट्यूब के तरफ से एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ चुकी है, और उसका रीजन बेसिकली ये है कि उनके एक वीडियो का एक छोटा सा पार्ट था जो कि यूट्यूब के चाइल्ड पॉलिसी को वायलेट करता था, और इसीलिए वो वीडियो पूरी तरह से हट चुका है, और इसकी वजह से अभी 7 दिनों तक वो अपने मेन चैनल पे एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो आप जाकर उनके सेकंड चैनल चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही न्यूज़ था, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।